Hi everyone, Namaskar, Salaam, Satsriyakal, Welcome back to Deep's All in One Channel. आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है होली रेनबो और मिस्टी के साथ। बहुत दिनों से दिखाया नहीं था इनको और पता नहीं यहाँ पे इनकी ये कौन सी परेड चल रही है। तीनों के तीनों एक लाइन में है यहाँ पे, तो मैं हल्का सा टैप भी कर रही हूँ कि ये लोग मूव करें, बट नहीं, इनका कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। तो खैर, इनकी छोटी सी एक ही क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी और इसके बाद चलते हैं नीचे और शुरू करते हैं लंच बनाना। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने नए घर का फर्स्ट फर्नीचर, बट वीडियो स्किप मत कर देना, देखते रहना, क्योंकि जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत लाजवाब है, बहुत ईजिली बन जाती है और स्वाद उसके तो खैर आप पूछिए ही मत कि कितनी टेस्टी बनती है। तो इस रेसिपी के लिए मैंने चने, जो काले चने होते हैं, वो ओवरनाइट सोक कर दिए थे और उनको बॉईल करके रख लिया था सुबह में। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक की एक क्यूब ली है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली है, कलर बहुत अच्छा आता है इससे। इसके बाद 1/2 चम्मच जीरा पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे, रोस्टेड नहीं है, नॉर्मल जीरे को ग्राइंड किया हुआ है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला और 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे काला नमक। और इसके बाद 1 चम्मच ही मैंने ये कसूरी मेथी लिया है जिसको हाथों से क्रश करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद बिल्कुल थोड़ी सी हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे, लगभग 1/8 टीस्पून के करीब, और इसका हम एक यहाँ पर ये पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोजन क्यूब का यूज़ किया है जिंजर गार्लिक की, आप चाहें तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक फ्रेश क्रश किया हुआ या फिर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप गार्लिक यूज़ ना करना चाहें तो सिर्फ अदरक से भी बना सकते हैं। तो ये वाली जो रेसिपी है ये बिना टमाटर और बिना प्याज के बनेगी, सिर्फ इसी मसाले के साथ। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल, इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग, साथ ही तेज पत्ता है जो मैंने तोड़ के डाल दिया है, और 1 बड़ी इलायची ऐड कर दी है। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि जितने भी फ्लेवर हैं, जो खुशबू है इनकी, वो ऑयल के अंदर अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। इसके बाद जो हमने मसालों का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन केस अगर आपको लगे कि पेस्ट जो है वो थोड़ा सा थिक हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी और ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत थिक रखना है। और इसके बाद इस मसाले को हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, लाइक 30-40 सेकेंड के लिए आप चलाएंगे और एकदम से जो खुशबू आएगी ना, बस उसके कहने ही क्या, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत टेस्टी ये तैयार होते हैं। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। और ये जो चने मैं बनाने वाली हूँ ना, ये आप प्रसाद में भी बना सकते हैं, बस गार्लिक का आप यूज़ ना करें, सिर्फ जिंजर। और ये है काले चने, देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सॉफ्ट हो रहे हैं, तो सॉल्ट डाल के मैंने इनको बॉईल कर लिया था। इसको अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सिर्फ इसी मसाले के पेस्ट से जो फ्लेवर आता है ना, दैट इज़ ऑसम। ये रेसिपी मेरे घर में सुपर हिट है, फटाफट बन जाती है। चने आप पहले से बॉईल करके रख लें और फटाफट मसाला बना के आप तड़का लगा दें, लाइक विद इन 5 मिनट्स इट्स रेडी एंड इट इज़ सो फ्लेवरफुल। अब यहाँ पे आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अपने हिसाब से रखनी है कि आपको ये कितना थिक रखना है या कितना थिन रखना है। लेकिन पहले मैं इसको यहाँ पे एक बॉयल लगाऊंगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, लेकिन क्योंकि सुबह के बॉयल किए हुए थे चने, तो हल्का सा उन्होंने जो था अपना पानी वो थिक कर लिया था। लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो पानी लूज़ हो जाता है, जो स्टार्च होता है वो लूज़ हो जाता है। तो एक बॉयल लगाएं और उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको कितना पानी डालना है। पोटैटो मैशर यहाँ पे लेके मैं इसको हल्का सा मैश करूँगी,
कोर्सली, क्योंकि जो ये काले चने होते हैं ना, ये अपनी एक शेप होल्ड करके रखते हैं, छोले की तरह ये एकदम से मशी नहीं हो जाते, इनको मैश करना पड़ता है। तो हल्की सी थिकनेस देने के लिए मैंने कोर्सली इसको कर दिया, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है, बस इसमें से लाइक 30% जो चने हैं वो मैश हो जाएँ। तो बिल्कुल थिक से यहाँ पर हमारे ये काले चने मसाले वाले तैयार होते हैं। अगेन आई विल से इट इज़ सो टेस्टी, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज़ बना के ज़रूर देखना, एंड आई एम श्योर आप वापस आके कमेंट करोगे कि यस दीपिका इतनी इजी रेसिपी बहुत टेस्टी बनी। तो यहाँ पे एक दो मिनट के लिए मैंने इसको फिर से पका लिया है, और बस अब इसके ऊपर जो है वो फाइनल गार्निशिंग हमें करनी है। तो ग्रीन चिलीज मैंने लेंथ वाइज कट करके ऐड कर दिए, साथ ही मैचस्टिक की तरह कटा हुआ अदरक मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो ढेर सारा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में दाल में इस तरह की चीज़ों में धनिया खाते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया। और यहाँ पे चने जो हैं हमारे वो बिल्कुल तैयार हैं, और मसाले में मैंने काला नमक ऐड किया था और चने बॉईल करते हुए नमक डाला था, तो इस तरह से पकाते टाइम मैंने कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं किया है, नहीं दिखाया है। तो चने हमारे डन हो गए हैं, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बूंदी रायता, और ये वेस्टर्न यूपी का एक स्पेशल रायता है जिसको सन्नाटा बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा होता है, और वाकई में इसको पीने के बाद सन्नाटा ही हो जाता है चारों तरफ, कानों से और नाक से मुंह से धुएं निकलने लगते हैं। खैर मैं इतना स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, बट रियल में ये बहुत स्पाइसी बनता है। तो यहाँ पे मैंने दही ले ली है, एक कप के करीब होगी ये, घर की जमी हुई फ्रेश दही है, इसको अच्छे से विस्क कर लिया है। फिर इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड करा है ड्राइड मिंट, और ये बेजिल की शीशी है लेकिन इसके अंदर ये मिंट है, घर का ही मिंट था जो मैंने सुखा के रखा है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा लिक्विडी कंसिस्टेंसी का ही होता है, थिक वाला रायता नहीं होता है, पतला पतला होता है। और हमारे यहाँ शादियों में एक रस्म होती है मंडा, शादी से एक दिन पहले, उसमें जो खाना होता है उसमें ये वाला रायता मस्ट होता है, बूंदी का रायता, सन्नाटा रायता। और यहाँ पे जो बूंदी है वो भी मैंने ऐड कर दी है, एंड दिस इज़ ऑसम। मैं इसके एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास पी सकती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है, तो बनाना ज़रूर। ठीक है, दो चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, अब चने के साथ हम क्या खाएंगे? हम खाएंगे यहाँ पर जीरा राइस, जो मैं प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ, एंड यू विल सी कि एक एक दाना खिला हुआ बनता है। तो प्रेशर कुकर में मैंने घी डाला है, और घी जैसे ही गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने तीन चार लौंग ऐड कर दी हैं क्लोव्स, एक चम्मच हम जीरा डालेंगे, इसको अच्छे से हम यहाँ पर क्रैकल कर लेंगे, और इसके बाद हम राइस को हल्का सा कलर देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। इससे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आता है राइस के ऊपर, और देखने में वो बहुत अपीलिंग लगते हैं। राइस जो है वो मैंने आधा घंटा पहले सोख करके रख दिए थे, वॉश करके सोख करके रख दिए थे। एक कप यहाँ पे ये बासमती राइस है, कोहिनूर एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस हम यूज़ करते हैं, और प्रेशर कुकर का हिसाब ये है कि जितना राइस है आपको उतना ही पानी डालना है इन वाले राइस का, बाकी अगर किसी और ब्रांड का आप यूज़ करते हैं तो आई एम नॉट 100% श्योर कि यही मेजरमेंट जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि हमने हमेशा से यही खरीदे हैं, इन्हीं का टेस्ट पसंद है, तो कभी दूसरे ट्राई किए ही नहीं। तो इन वाले राइस में जितना राइस है उतना ही पानी मैंने ऐड कर दिया है, और इसके बाद हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं क्योंकि चनों में ऑलरेडी है, रायते में भी है, तो फिर सारी ही चीज़ें बहुत सॉल्टी हो जाएंगी, बट हल्का सा डालें कि बिल्कुल फीके ना लगें। और बस यहाँ पे आपको एक विसल लगानी है, दैट्स इट, और फ्लेम ऑफ कर देनी है, प्रेशर इसका खुद ब खुद डाउन जाएगा, स्टीम में ये अच्छे से पकेंगे, और जब प्रेशर डाउन हो जाए देन ओपन द लिड एंड यू विल सी नाउ कि कितना लॉन्ग ग्रेन बना है। इसके बाद हल्के से आप इस राइस को फ्लफ कर दें किनारों से हटाते हुए, या फिर आप प्रेशर कुकर को
सीधा किसी बोल में जो चावल है निकाल लें और वहाँ पे फ्लफ करके फिर आप कवर करके रख दें। चैनल के शुरुआत के दिनों में मैंने ज़ीरा राइस की एक सेपरेट वीडियो अपलोड करी थी, जब मैं एडिटिंग वगैरह सीख रही थी। मैं उस वीडियो का लिंक डालूंगी, तो आप चाहे तो चेक कर लेना। वहाँ पे भी मैंने एग्जैक्टली सेम यही रेसिपी दी थी, थोड़े से और टिप्स एंड ट्रिक्स, बट ये है कि वो शुरुआत के दिनों की थी तो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो राइस भी हमारे रेडी हो गए हैं और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ तंदूरी प्याज। इसके लिए मैंने रेड अनियन ली है और इसको हम लेंथ वाइज कट करेंगे। और तंदूरी प्याज इनका नाम है, बट ऐसा नहीं है कि ये तंदूर में रखी जाती हैं या बेक करी जाती हैं, बस नाम पड़ जाते हैं। आई डोंट नो कैसे इनका नाम तंदूरी प्याज है क्यों, बट ये वाकई में बहुत अच्छी लगती हैं छोले भटूरे के साथ, तो ऑसम। तो प्याज यहाँ पे कट कर ली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, रेड चिली डाली है और उसके बाद ढेर सारा आप नींबू का रस इसके अंदर डालें। कुछ लोग जो है वो विनेगर भी ऐड करते हैं, बट वही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाती है। मुझे पसंद नहीं आता पर्सनली, बट आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और बस अब आप इसको छोड़ दें, ये मैरिनेट हो जाएंगी अच्छे से और हमारी तंदूरी प्याज रेडी हो जाएंगी। ओके, अब बात आती है चटोर पने की। तो मेरे पास आटा सुबह का रखा हुआ था और मुझे रोटियां बनानी थी इसके साथ, लेकिन पतिदेव जो है मेरे, उनका मन था कि पूरियां बना लो दीपिका, भले ही थोड़ी सी हैं। एंड आई वाज लाइक कि आटा जो है वो रोटियों के हिसाब का मैंने गूंथ के रखा हुआ है और इनकी मैं पूरी कैसे बनाऊंगी, बहुत मुश्किल होगा। बट ही इज़ लाइक कि चल थोड़ी सी ही तो बनानी है, कढ़ाई भी रखी हुई है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये गिने हुए 9 पेड़े हैं जिनकी मुझे पूरियाँ बनानी है। तो मैं तो बस यही सोच रही थी, मैं कहीं यहाँ पे अष्टमी का पूरा प्रसाद ही ना बन जाए, चने मैंने बना दिए हैं, पूरियाँ बनने लग रही हैं, कहीं आके थोड़ी देर में ये ना बोल दें कि दीपिका सूजी का हलवा भी बना ले। बट खैर, इन्होंने इस टाइम पे नहीं कहा, बट यू वॉन्ट बिलीव, जिस टाइम हम खाना खाने बैठे ना, सबसे पहला डायलॉग इनका यही था, अरे सूजी का हलवा मिस हो गया, दीपिका वो भी बना लेते। एंड आई वॉज लाइक कि मैं यही सोच रही थी पूरी बनाते हुए। तो सूजी का हलवा जो है वो ड्यू है, जल्दी ही मुझे किसी दिन बनाना पड़ेगा। तो जो ये पूरियों का रोटी का जो आटा है, बहुत ही ढीला सा बना हुआ है, सॉफ्ट वाला, पूरी का थोड़ा सा टाइट होता है, तो इसीलिए मैं पहले से बेल के नहीं रख रही हूँ, क्योंकि फिर वो उठ नहीं पाएंगी। तो ये जो तेल है कढ़ाई में, इसमें पकौड़ियाँ बनाई थी मैंने कढ़ी के लिए, तो ये पकाया था मैंने सरसों का तेल, तो ये मुझे रखना था दूसरे, जिसमें मैं ऑयल अपना रखती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये कढ़ाई निकाल के बाहर रखी थी कि मुझे ऑयल जो है वो कंटेनर में करना है। बट खैर साहब उसी दौरान नीचे आ गए और रोटियों से हमारी जो है वो पूरियाँ बन गई। तो 9 पूरी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। खैर थाली जो थी वो सच में कंप्लीट हो गई, और जब दो दो तीन तीन पूरी मिलती है ना, तो थोड़ा सा तरसना सा हो जाता है। कई बार होता है ना कि चलो खूब सारी पूरियां बन रही है, स्वाद स्वाद में इंसान 4 भी खा लेता है, रोटियां नहीं खा पाता है लेकिन पूरी खा लेता है। लेकिन इसमें यह है कि वो बिल्कुल काउंटेड थी कि हाँ इतनी ही खानी है, तो सच में बहुत ज़्यादा स्वाद आया और वाकई में टेस्टी भी बनी थी। तो कई बार ना बिना किसी प्लान के भी रैंडमली चीज़ें बन जाती हैं और टेस्ट जो है ना वो बस ऑसम हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं बस पूरियाँ उतार लेती हूँ और उसके बाद फिर जो जो होगा वो शेयर करती हूँ आपके साथ। और प्लीज़ पूरियों की शेप पे बिल्कुल मत जाना, बस वो बन रही थी, फूल रही थी, वो ही बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ शेप तो बस इनकी भगवान ही जाने कि क्या क्या मैंने बनाई है। तो कढ़ाई यहाँ पे चढ़ी हुई थी, तो पापड़ मुझे करना था, वो मेरे मेन्यू में डिसाइडेड था कि मैं पापड़ करने वाली हूँ, बट ये कि रोस्ट करती मैं गैस पर करती या तवे पर करती, बट फिर जब कढ़ाई चढ़ रही थी तो मुझे लगा कि चलिए आज
पापड़ भी फ्राइड खा ही लेते हैं, प्रॉपर थाली बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे दो पापड़ जो हैं वो भी मैंने कर लिए हैं, और मैं हमेशा इसी तरह से चिमटे से पकड़ के करती हूँ, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इसी तरीके से करते होंगे। तो ऑयल को निकालने में थोड़ी सी आसानी होती है, अदरवाइज पापड़ जो हैं वो बहुत ऑयल को सोक करते हैं। ऑल राइट, अब ये है क्लिप एक्चुअली कल की, और ये है हमारे घर का फर्स्ट फर्नीचर। और क्या है अभी दिखाती हूँ। एक्चुअली घर में मूव होने में तो शायद अभी 1 से 2 महीना हमको लग जाएगा, लेकिन एज यू नो कि प्राइम डे पे सेल चल रही थी, एंड वी देसी पीपल आर लाइक इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर ये अब सस्ते में मिल रहा है तो अभी ले लो। तो हमने ये लेके रख लिया क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है ही। तो ये क्या है, ये एक ड्रेसिंग टेबल टाइप है, लेकिन ये हैंगिंग वाला है। यहाँ पर सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन है कि क्या कलर है, कितना इसका वेट है, कितनी डायमेंशन है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये अमेजोन से हमने लिया है, बैको इसका ब्रांड है। और अगर आप लोगों को ध्यान होगा, लिविंग रूम में हमारा एक प्लांटर रखा हुआ है जिसमें मैंने ढेर सारे इंडोर प्लांट्स भी रखे हुए हैं, वो भी बैको ब्रांड का ही था। तो मैंने बैको से काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई हैं, 2 प्लांटर हैं मेरे घर में, दोनों बैको के हैं। अद्वी की हमने लास्ट ईयर टीपी ली थी, वो भी उसी ब्रांड की थी। तो इनका स्टफ अच्छा निकलता है, तो ये प्राइम डे पे सेल पे था तो फिर हमने ये ले लिया, क्योंकि जो हमारा इन फ्यूचर घर होगा उसमें ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और जितना स्पेस है उस हिसाब से हमने इसको लिया है। सो दिस इज़ माई न्यू ड्रेसिंग टेबल। और एक्चुअली खोलते तो हम इसको अपने ही घर में जाके, लेकिन ये है कि एक बार चेक करना था कि कुछ फॉल्ट तो नहीं है, ठीक भी लग रहा है, स्टफ़ सही है नहीं है, तो एटलीस्ट अगर एक्सचेंज या रिटर्न कुछ करना हो तो वो हम कर सके। तो अनबॉक्सिंग में हमेशा रिकॉर्ड करती ही हूँ, इनकेस अगर ब्रांड को कुछ मेंशन करना हो। तो जब भी ऑनलाइन आप कुछ भी खरीदें और जब आप उसे ओपन करें तो क्लिप ज़रूर बनाएं, अपने पास एक प्रूफ आप ज़रूर रखें कि चीज़ कैसी निकली है। तो फिर ये बिल्कुल अच्छी निकली है, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर कर दूं। मे बी आप में से कुछ लोग सोच रहे हों तो उनका भी माइंड जो है वो मेक हो सकता है, और आप लोग देख भी सकते हैं। तो पीछे की तरफ यहाँ पे इसमें ये बने हुए हैं जिससे आप इसको वॉल के ऊपर भी माउंट कर सकते हो, और इसको दरवाजे के ऊपर भी आप हैंग कर सकते हो बैक साइड में अगर स्पेस बहुत कम है। मैं इसकी कुछ पिक्चर्स डाल दूंगी जो इन्होंने अमेज़ॉन पे दी हुई हैं, तो उससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे कि पन्नी वगैरह में इसकी ना उतारनी पड़े, वापस से हम इसको बिल्कुल इसी पैकेजिंग में रख दें, लेकिन क्योंकि इसको ना हमको प्लग इन करना था, इसमें ना एलईडी लाइट है चारों तरफ, तो वो भी हमको करके देखनी थी कि हाँ वो लाइट भी सही चल रही है नहीं चल रही है। तो टच स्क्रीन वाली है ये, सो लुक एट इट। और 2 तरह के मोड है, वाइट मोड और येलो मोड, और कम लाइट और ज़्यादा करने का भी ऑप्शन है। तो इस तरह से टच करके इसमें ये लाइट जलती है, और पावर कॉर्ड है इसमें, और इसमें चार्जिंग का भी है। तो इस तरह से ये कॉर्ड लगा के आप इसको मेन्स से लगा दें तो आराम से फिर आप लाइट जला के, अच्छी है, स्टर्डी है, वेट इसका काफ़ी है, और अंदर जो स्पेस है दैट इज़ सो मच। हर तरह का इन लोगों ने दिया हुआ है कि आपको ईयररिंग्स जो हैं वो हैंग करने हैं, नेकलेस वगैरह हैंग करने हैं, और ड्रॉर्स भी हैं इसके अंदर छोटे छोटे। सो यू नो डेली की जो चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी की सारी इसके अंदर अकोमोडेट हो जाएंगी। फिलहाल मुझे चीज़ें इधर उधर रखनी पड़ती हैं, तो जब अपने घर में जाएंगे तो सारी चीज़ें एक जगह आ जाएंगी। तो अभी हम यहाँ पे बस देख ही रहे थे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन है जिसमें सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं कि दरवाजे के ऊपर आप इसको कैसे हैंग कर सकते हैं, या फिर वॉल के ऊपर अगर फिक्स करना है तो प्रॉपर आपको ड्रिल वगैरह करा के ना गिट्टी लगा के तब करना है, क्योंकि हैवी है ये, ऐसा नहीं कि खुद से कीले बस ठोक के और आप कर दोगे, नहीं, प्रॉपर इसको करना पड़ेगा असेंबल। ऊपर का जो प्लेस है इसमें आप इयररिंग्स वगैरह हैंग कर सकते हैं। इधर जो है ये एक बैंगल के लिए भी रोड है जिसमें आप अपने डेली के कंगन वगैरह कर ले। एक ही ऑर्गेनाइजर है जिसमें लिपस्टिक वगैरह आप अपनी रख सकते हैं, कॉम वगैरह, एक छोटा
छोटा सा मिरर अंदर की तरफ भी लगा हुआ है, यहाँ पे नेकलेस लगा सकते हैं, और यू नो यहाँ पे ये दो छोटे छोटे ड्रॉर्स हैं जिसमें कुछ भी आप मिसलेनियस आइटम्स जो हैं वो रख सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट सा है, अच्छा है, यूज़ करूँगी जब अपने घर में जाके इसको लगाऊंगी, ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करूँगी, बट फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए मैं इसकी पिक्चर्स लगा दूंगी, तो आप देख लेना, और आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं इसका लिंक दे दूंगी। बहुत हाई एंड नहीं है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि हाँ ये स्टर्डी है, मुझे पर्सनली ये पसंद आया। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग देखोगे ही जब मैं इसको यूज़ करूँगी। सो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, और कलर भी हमने इसका वाइट लिया है बिकॉज थीम गोना बी ऑलमोस्ट वाइट एवरीवेयर, तो घर जो है वो आपको आई एम श्योर पसंद आएगा। आई जस्ट कांट वेट टू मूव इन, बस पेपर वर्क जल्दी से सॉर्ट हो जाए, आई एम जस्ट वेटिंग। तो यहाँ पे मैं साहब से पूछ रही थी कि उनको कैसी लगी, देन ही इज सेइंग कि यस गुड गुड चॉइस पिपिका, तो छोटा सा स्पेस लेगी और आराम से फिक्स हो जाएगी, और फिर लेंथ जो है ना मिरर की वो भी अच्छी है, तो साड़ी वाड़ी पहन के भी तैयार हो तो आराम से फिर दिखाई देगा, तो फुल लेंथ का एक मिरर तो चाहिए होता ही है घर में। तो ये हमने चेक कर ली है, कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है, कोई रिटर्न एक्सचेंज का पंगा नहीं है, तो उसको हम फिर दोबारा से पैक करके रख देंगे। और ये है कुछ पिक्चर्स, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप लिंक पे जब क्लिक करोगे तो वहां पे यही सारे पिक्चर्स हैं, बट फिर भी मैंने जो लोग लिंक पे नहीं करेंगे क्लिक, एटलीस्ट वो यहां से देख सकते हैं, सब कुछ मेंशन है यहां पर। और यहाँ पे अद्वी जो है वो आ गई है स्कूल से, और आज अद्वी की थी बेकिंग क्लास, और आज उसने क्या बेक किया है, एंड शी इज सुपर एक्साइटेड। और मैं मोरी भी गया था अद्वी को स्कूल से पिक करने के लिए, बता के जाती है कि आज कौन कौन पिक करने आएगा। तो अद्वी ने आज स्कूल में बेक किया है पिज्ज़ा, एंड शी इज़ लाइक कि मुझे लंच में यही खाना है। फिर उसको मैंने बताया कि नहीं बेटा चने बनाए हैं, तो अभी चने खाएंगे और शाम को फिर जो है हम लोग पिज्ज़ा पार्टी कर लेंगे। तो लड़की जो है वो अपने लंच का भी इंतज़ाम करके आई थी, तो बाकी मैं अच्छा बनाया था, तो सभी बच्चों ने बनाया है, एंड इट वाज रियली गुड एक्चुअली। तो बेकिंग क्लास जब भी होती है कुछ कुछ नया नया ये लोग सीख के आते हैं, कुकीज़ वगैरह, कपकेक्स, एवरीथिंग, और फिर घर आके उनकी प्रैक्टिस होती है, तो फिर मुझे लगना पड़ता है। और ये है एक नोट ट्यूडर्स, टेरिबल ट्यूडर्स के ऊपर अद्वी ने लिखा है कुछ, तो वो लेकर आई है, और ये मैं आपको फिर किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। तो सारा इसने ये खुद ही लिखा है, और यहाँ पे बस आते ही जो है वो चटर पटर शुरू हो जाती है, पता नहीं कितना कुछ बताया जाता है, तो बस वही चल रहा है। आई वॉज लाइक के अद्वी पहले चेंज कर लो, और आपने देखा होगा कि जैकेट लाके कहाँ टांगी है उसने, और शी कांट वेट टू ईट पिज्जा, और मैं उसको बोल रही हूँ अभी नहीं खाना है। तो अद्वी गई है अपना चेंज वेंज करने के लिए, और यहाँ पे हमने ये प्लेटिंग कर दी है। सो दिस इज अवर लंच टुडे, काले चने बिना प्याज बिना टमाटर के, येट सो डिलीशियस, पापड़, जीरा राइस, गोल्डन जीरा राइस एक्चुअली, इसके साथ तंदूरी प्याज, और यहाँ पे पूरी, इट इज़ सुपर्ब। प्रॉपर यही थाली तैयार करना और बताना कि कैसी बनी और कैसी लगी। तो खाना वाना खा के फिर थोड़ी बहुत देर टीवी देखा, इतने में ही बारिश जो है वो शुरू हो गई, और बारिश होती है तो मुझे गुलाब की थोड़ी सी फिक्र हो जाती है, काफ़ी सारी कलियां आई हुई हैं, और इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े गुलाब खिले हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं, एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी, इसके ऊपर जो रेन ड्रॉप्स हैं ना वो बिल्कुल मोतियों जैसी लग रही हैं, कैमरा वो ब्यूटी कैप्चर ही नहीं कर पाता जो रियल होती है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, देख के इतने प्यारे लगते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा।
तो खैर थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह इनको लगाया तो है, बट हाँ खिलते ही थोड़े से झुक जाते हैं। लिली भी एक दो दिन में बस खिल ही जाएंगे। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।